जय नए न्यूज पर आप सभी का स्वागत और इस वक्त की बड़ी अपडेट आपके लिए लेकर हाजिर हैं जो कि आ रही है बहराइच। नामांकन के तीसरे दिन राष्ट्रीय धारक दल के प्रत्याशी ने बहराइच में कराया नामांकन। चौथे चरण के मतदान के लिए नामांकन प्रक्रिया 18 अप्रैल से शुरू है। आज तीसरे दिन बहराइच में राष्ट्रीय धारक दल के प्रत्याशी रिंकू साहनी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। राष्ट्रीय धारक दल की पार्टी की प्रत्याशी रिंकू साहनी ने बताया कि जनता की समस्याओं को लोकसभा तक पहुंचाने के लिए मैं चुनाव लड़ रही हूं। श्रीमती साहनी पूर्व में 2022 में बलहा विधानसभा से विधानसभा का चुनाव व इनके पति रोशन लाल नाविक जो एक सामाजिक और RTI कार्यकर्ता है वो भी पूर्व में विधानसभा लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमा चुके हैं। अब्दुल कादिर की बहराइच ब्यूरो से खास रिपोर्ट। आईडी नीचे कर ले भैया, किसकी आईडी ऊपर आवत है? और इस देश में आराधना नहीं बस बस मुद्दों को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। भैया आईडी ऊपर न लगाओ, क्षेत्र के विकास के लिए को लेकर के और तमाम सारी समस्याओं को लेकर के हम चुनाव लड़ रहे हैं। लगातार जिस तरीके से देखा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं कि सब पूरे जितना भी कॉन्स्टिट्यूएंसी है सभी जगह पर मोदी की लहर चल रही है, श्रीराम की लहर चल रही है। क्या लग रहा है कि आप इस लहर से लड़ पाएंगे? ऐसी कोई लहर नहीं है और इस समय एक लहर चल रहा है कि भारत के संविधान को बचाना है, इसलिए विपक्ष के हम सब लोग संविधान को बचाने के लिए इस बार आम जनता हर धर्म हर जाति के लोग बड़े पैमाने पर समाजवादी गठबंधन को सपोर्ट कर रहे हैं।